देखिए अब तो आप देखिए अंडे का पकौड़ा हम बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, तो तेल को अच्छा गर्म कर लेना है। 100 ग्राम के अंदाज तेल ले लेंगे फ्राई करने के लिए। तेल अच्छा गर्म होने दीजिए। तेल देखिए खोल चुका है, तो एक एक हम इसमें डिप करेंगे इस तरह से और इसमें ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हा खास रहेगा यहाँ पर। तो देखिए अच्छे से हम तल लेंगे इसको, गोल्डन फ्राई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर पलट लेंगे थोड़ा। तो देखिए ये घानी हो चुका है फ्राई करके। इस तरह से फ्राई अच्छे से कर लेना है, कच्चा नहीं रहना चाहिए। और अंडे के साथ जब आप कुछ बनाते हैं तो तेल में इस तरह से फेस आएगा आपको, मतलब काली। और इसी तरह से दूसरी वाली घानी है उसको भी इसी तरह से तल लेंगे। इसमें से अगर से मसाला बचता है तो इसमें आप आलू का भजिया भी बना के खा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दूसरी वाली घानी है, इसको अच्छे से पका लेना है। और यहाँ पर देखिए जो मसाला बच गया ना, तो इसमें मैं थोड़ा सा बेसन डाली हूँ। आप चाहे तो हरी मिर्ची काट के एक दो ऐड कर सकते हैं, और आलू का भजिया इससे बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से फ्राई कर लीजिए अच्छे से। देखिए दूसरी घानी भी हो चुका है, तो हम इसे भी निकाल लेंगे। ये देखिए फेस कितना अच्छा लग रहा है इसमें। तो अभी हम घर के लिए जो सालन बनाएंगे ना, उसको भी फ्राई करना है। इसे भी हम दो घानी में फ्राई कर लेंगे। फ्राई करके सालन बनाने से क्या होता है, सालन ज़्यादा टेस्टी बन जाता है, ज़्यादा अच्छा बनता है। तो देखिए सालन की पूरी रेसिपी नहीं दिखाएंगे, और अगर से आपको देखना है तो मेरा चैनल है रोको रेल किचन। तो आप मेरे चैनल पर जाके मेरे फाइल में आप चिकन का सालन देख सकते हैं, बहुत सारे सालन गए हैं, तो देख करके आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सालन के लिए फ्राई कर रही हूँ। अभी जो बन चुका है उसे मैं सजा के बता देती हूँ। तो ये देखिए ये क्रिस्पी चिकन फ्राई और अंडा फ्राई, उसी के साथ ये तंदूरी रोटी बन के तैयार हो गई है। तो देखिए आप सबको रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़। खुदा निगहबान।